नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा RT809F जो मेरे पास फ़ोन नंबर है उसके बारे में। उसमें अभी सेट टॉप बॉक्स का मैंने IC डाला हुआ है इस बेस में। तो दोस्तों इस पर जो प्रोसीजर है मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों अभी इसको मैं अरेंज करूँगा, इसको खाली करूँगा स्मार्ट आइडेंटिटी करके। उसके बाद इसको अभी इसने उठा लिया IC को, तो अभी मैं इसको अरेंज करूँगा। अभी IC अरेंज होगा, तो दोस्तों अभी अरेंज हो रहा है IC, देख सकते हैं LED लाइट इसकी ऑन ऑफ हो रही है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों अरेंज ये IC हो रहा है, अभी कुछ ही सेकेंड में ये अरेंज हो जाएगा। अरेंज करना, IC बनने से पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा, उसमें जो पुराना सॉफ्टवेयर है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो अभी ओपन कर जो सॉफ्टवेयर आपने बनना है उसको, उसके बाद इसको राइट करना है, बनना है आपको। अभी दोस्तों इसमें अगर कोई दिक्कत होगी तो ये पहले ही उसको कह देगा प्रोग्रामर को। अभी अगर IC सही है तो ये भर देगा। तो दोस्तों अभी ये सारा प्रोसीजर आप साइड में देख सकते हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाया, रीड सेव ओपन सभी कुछ आपको पता है। ये प्रोसीजर पढ़कर उसको देख सकते हैं। रीड का मतलब राइट करना होता है, जो सॉफ्टवेयर आपने निकालना हो, सेव किस जगह पर आपने सेव करना है, ओपन कहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर पड़ा है, और राइट जब आपने उसको बनना है। तो दोस्तों अभी ये वेरीफाई कर रहा है, उसके बाद अगर IC में कोई दिक्कत होगी तो ये इसमें एरर दे देगा। तो दोस्तों इस प्रोग्राम में अभी आपने जो IC भर लिया, अभी LED लाइट है जो एक जगह पर खड़ गई है, अभी ये ब्लिंक नहीं करी। तो दोस्तों ये IC निकाला मैंने। तो दोस्तों इसमें आप HDMI से भी सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, और BGA के जरिए भी आप इसका सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे आप LED सेट टॉप बॉक्स सभी किसी का सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, जिसमें EEPROM IC होता है। उसके बारे में आपको नेट पर सर्च मारनी पड़ेगी, EEPROM IC क्या होता है, उसका नंबर क्या है, वो आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों अभी ये आप नीचे लिंक मिल जाएगा, उससे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे। इससे एक स्मॉल बॉक्स छोटा साइज भी आता है, वो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।